मैं सोच रही थी जिंदगी मुझे एक नई राह दिखा रही है, लेकिन एक अनचाहे मोड़ ने मेरी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। मेरे पास अब यू टर्न लेने की भी चॉइस नहीं थी। जिंदगी बचपन से यही करती आई है मेरे साथ, हर एक मोड़ पे एक नया इम्तिहान। आज स्कूल के कपड़ों में ही आ गई काम पे। स्कूल भी जाती है क्या? नहीं मैडम, मम्मी ने स्कूल एक साल पहले ही छुड़वा दिया था। उनके पास पैसे नहीं थे ना फीस भरने के, तो जब भी स्कूल की याद आती है ये पहन लेती हूँ। कितना पढ़ी है तू? 10वीं पास की है, लेकिन हमेशा ही मेड का काम नहीं करूँगी। कोई अच्छी नौकरी मिल गई ना तो छोड़ दूंगी, पहले बता रही हूँ। अरे कौन है? सर, क्या है? हेलो सर, हमारी कंपनी जेमिनाई मार्केटिंग ने ये नया फ्लास्क लॉन्च किया है, सिर्फ 600 रुपए का है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। नहीं 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 जी, ये तुम्हारा नाटक होता है। सर, मैं आपको 1000 में 2 दे दूंगी। सर सुबह से एक भी नहीं बिका है, ले लीजिए ना, बहुत ही अच्छे मटेरियल का है, ये देखिए। अच्छा है, सब खरीद लेंगे हम तुम्हारा। अपना पेट पालने के लिए बहुत कुछ सहना पड़ता है इंसान को। मैं भी सहती रही क्योंकि मैं अपनी माँ को गरीबी के दलदल से निकालना चाहती थी। माँ, अभी तो आप बुखार से उठी हैं ना और फिर काम पर जा रही हैं। माँ कब तक दूसरे घर के बर्तन धोती रहोगी? अब हमें काम मिल गया है ना, हम देख लेंगे। अरे बेटा, तेरे कमाने से घर तो चल जाएगा, लेकिन कल को तेरी शादी करनी है, उसके लिए मुझे भी काम करना पड़ेगा, समझी? शादी, दो इंसानों का मिलन, लेकिन अब शादी घर गृहस्थी का सुनते ही मन कांप उठता है। काश मैं कभी शादी ही ना करती। नमस्कार, मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया क्राइम पेट्रोल सतर्क में आपका स्वागत करती हूँ। जिंदगी में हम अक्सर ऐसे मौकों की तलाश में रहते हैं जो हमें अगले बड़े मकाम पर लेकर जाएं। ये कहानी श्यामा की है जो छोटी सी उम्र से अपने बुरे हालातों को बदलने के लिए जूझ रही थी। हमारे समाज में अक्सर लड़कियों को लगता है कि शादी के बाद उनका करियर खत्म हो जाएगा। तो आखिर श्यामा के साथ हुआ क्या था? वो क्यों अपनी शादीशुदा जिंदगी को कोस रही थी? संभल के आओ। आओ। ये है मेरा छोटा सा घर, मेरा मतलब है हमारा घर। निमी, यहां आओ बेटा। श्यामा, ये है हमारी बेटी निमी। हेलो निमी बेटा। ना मैं आपकी बेटी हूँ और ना ही आप मेरी माँ। निमी, बिहेव योरसेल्फ। अगर ये औरत इस घर में रही ना तो मैं चली जाऊंगी। निमी, मेरी बात सुनो। देखो, समझने की कोशिश करो, अब से ये तुम्हारी। नहीं पापा, अगर आप मुझसे प्यार करते हो ना तो इस औरत को इस घर से बाहर निकालो। निमी रुको, क्या कर रही हो? क्या बदतमीजी है? निमी रुको, बहुत हो गया तेरा ये नाटक। चलो, बदतमीज हो गई हो, आओ राजा। ये तुम्हारे लिए। कैसा लगा? बहुत अच्छा है। वो आपने निम्मी को कमरे में बंद कर दिया, मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा। क्या आप उसे बाहर निकाल सकते? भूल जाओ उसे, मेरा मतलब है
कि निम्मी पानी की तरह है, एकदम अशांत। मैं सुबह उससे बात कर लूंगा। अरे वाह, तुम्हारा कमरा तो कितना प्यारा है। और ये पिक्चर्स कितनी प्यारी लग रही हो तुम। ये क्या, तुम मिस इंडिया बनना चाहती हो? तुम्हें उससे क्या, मुझसे रिश्ता जोड़ने की ना कोशिश भी मत करना, वरना देख लेना। अरे हम दोस्त तो बन सकते हैं ना, और इस दोस्ती की शुरुआत मैं इस तोहफे से करना चाहती हूँ। दफा हो जाओ, चलो जाओ यहाँ से, जाओ। जिंदगी शुरू कर। मैंने ना तेरे लिए एक लड़की देखी, अब तेरी शादी ना। मां तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? तुझे पता है ना कि मैं पहले से शादीशुदा हूं, अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूं। मनीष, 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 खोल दरवाजा, उतार ये प्रभु, कोई बीवी नहीं है तेरी, सुन रहा है तू? तेरी खुशियों के ठिकाने तो बहुत होंगे, लेकिन मेरी बेचैनी की वजह सिर्फ तुम हो। कहाँ थे पूरी रात से तुम? मालूम है तुम्हें, पूरी रात से जगी हुई हूं मैं। सुन रहा है तू? मनीष, जैन सर, इसे पीछे करो, इन्हें पीछे रखो। सर एक भिखारी ने इस बैग के बारे में बताया। बड़े को बाहर निकालो। शिनाख्ती को लीड? नहीं सर। बड़े को यहाँ लाकर डंप किया गया, तो जाहिर सी बात है किसी ना किसी व्हीकल का इस्तेमाल हुआ होगा। यहाँ आने जाने वाले सभी रास्तों की सीसीटीवी फुटेज निकालो और मिसिंग कार्ड स्कैन करो। यस सर। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। ओके सर। कौन है? वो आपने न्यूज़पेपर में ऐड डाला था ना सेल्स एग्जीक्यूटिव वैकेंसी के लिए। हेलो, सतनाम एंटरप्राइजेस। रॉन्ग नंबर।
हेलो, नाम क्या है आपका? आप कौन? अभी आपने ही तो कॉल किया था। देखो, गलती से रॉन्ग नंबर लग गया था। रॉन्ग नंबर तो आपने ही किया था ना। इसके बदले में आपको एक हैंडसम और डैशिंग लड़की के साथ दोस्ती करने का मौका मिल रहा है। मेरे पास एकदम फालतू चीजों के लिए टाइम नहीं है, तो दोबारा कॉल मत करना मुझे। इस लड़की की बॉडी पे 4 कट मार्क्स मिले हैं, वो भी 7 से 10 इंच गहरे। सेक्सुअल असॉल्ट? नहीं, रेप के कोई साइंस नहीं है, लेकिन हाँ, लड़की सेक्सुअली एक्टिव थी और इसकी नसबंदी भी कराई गई है। और हैरानी की बात तो यह है कि इस लड़की ने कभी बच्चा भी पैदा नहीं किया है। डॉक्टर, एज क्या रही होगी? तकरीबन 20 से 25 साल। तो इतनी कम उम्र में नसबंदी। हाँ तिवारी, बोलो। सर, जिस लड़की की लाश हमें सूटकेस में मिली थी, उसका फोटो प्रताप नगर के कुछ लोगों ने आइडेंटिफाई किया। उसका नाम श्यामा है और वो प्रताप नगर में ही रहती थी। तो वहीं रुको, हम पहुंच रहे हैं। जय हिंद सर। सर, यही श्यामा का घर है, लेकिन पड़ोसियों का कहना है कि पिछले कई दिनों से घर बंद है। हाँ साहब, श्यामा अपने पति रितेश और बेटी निम्मी के साथ यहीं रहती थी। श्यामा की बेटी? लेकिन हमें तो पता चला कि श्यामा की डिलीवरी नहीं हुई थी कभी। दरअसल निम्मी रितेश की पहली बीवी की बेटी है। तो श्यामा से रितेश ने दूसरी शादी की थी? हाँ साहब, दूसरी शादी। ये रितेश और उसकी बेटी कहाँ अभी? ये तो नहीं मालूम सर। आपने श्यामा को आखिरी बार कब देखा था? करीब 3 दिन पहले, जब निम्मी स्कूल जा रही थी। अच्छा, आपके पास रितेश का कोई फ़ोन नंबर या मोबाइल नंबर है? हाँ साहब, है ना। यही मेरी बीवी श्यामा है। इंस्पेक्टर, श्यामा और मेरी बेटी निमी को मैं 1 हफ्ते पहले सही सलामत यहाँ पर छोड़ के गया था। अगर श्यामा का मर्डर हुआ है इंस्पेक्टर, तो मेरी बेटी निमी कहाँ है? आपकी बेटी गायब है? यस। तो 1 हफ्ता पहले आप कहाँ गए थे? मैं काम के सिलसिले में आउट ऑफ टाउन था। तो इस दौरान आपकी आपकी बीवी से या बेटी से फोन पर भी बात नहीं? बात हुई थी, 4 दिन पहले ही श्यामा से बात हुई थी मेरी। आपकी बीवी से बात क्या हुई थी? ये फालतू की बात आप बंद कीजिए। और हम फालतू सवाल नहीं कर रहे हैं, दिस इज आवर जॉब। पुलिस होने का रौब मत दिखाइए ऑफिसर, आई एम अ रेप्यूटेड लॉयर ऑफ दिस सिटी। मेरी बेटी की मिसिंग कंप्लेन फाइल कीजिए। आपके पास आपकी बेटी निमी की तस्वीर है? ऑफ कोर्स। सुनीता, क्राइम सीन को दोबारा स्कैन करो। हो सकता है निमी की लाश भी वहीं कहीं है और हमारी उस पर नजर ना पड़े। यस सर। क्या लगता है आपको, किसने किया होगा ये सब? आपकी किसी से कोई दुश्मनी या कोई झगड़ा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। अच्छा, हमें पता चला है कि आपकी बीवी श्यामा की नसबंदी हुई थी, आपने करवाई थी। क्या? आपको इस बारे में पता ही नहीं? नहीं। ये क्या कह रहे हैं आप, ये क्या बकवास कर रहे हैं? हम वही कह रहे हैं जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा। आपकी और श्यामा की शादी कब हुई थी? करीब 6 महीने पहले। श्यामा की फैमिली में कौन कौन है? कोई नहीं था उसकी फैमिली में, अकेली थी, अनाथ थी। तो आपकी मुलाकात कब हुई और कैसे हुई? वो मेरी एम्प्लॉय थी, मेरे ऑफिस में एक टाइपिस्ट की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने न्यूज़पेपर में ऐड दी थी। बस वो इंटरव्यू के लिए आई थी और तभी हम पहली बार मिले थे। सर, वो काफ़ी हार्ड वर्किंग और ऑनेस्ट थी, हम एक दूसरे को पसंद करने लगे। मुझे मेरी बेटी निमी के लिए एक माँ की ज़रूरत थी और इसीलिए मैंने श्यामा से शादी की थी। पर हमें तो आपके पड़ोसियों से पता चला है कि निमी, मतलब आपकी बेटी, और श्यामा की कभी बनती नहीं थी। दिस इज ऑल रबिश। शुरू में ऐसा था इंस्पेक्टर, लेकिन निमी ने श्यामा को माँ के रूप में स्वीकार कर लिया था। मैम, उस तरफ मुझे पाउच मिला। सर, ये सब हमें क्राइम सीन से थोड़ी दूरी मिला। कहना मुश्किल है कि इस सबका इस केस से कोई कनेक्शन हो। फिर भी पता लगाओ ये सब लड़के कौन है। और इस कागज पे ब्रेल लिपि में कुछ लिखा हुआ है, शायद किसी ने कोई मैसेज लिखा। एक्सपर्ट को दिखाओ, पता लगाओ इसमें क्या लिखा। यस सर। और हमें इस बात पे फोकस करना है कि रितेश की बेटी निमी क्यों गायब, क्योंकि वो उसी दिन से गायब है जिस दिन श्यामा का कत्ल हुआ। तो क्या उसके गायब होने का श्यामा के कत्ल से कोई ताल्लुक है? और ये रितेश, इसे अपनी बीवी के मरने का इतना गम नहीं है जितना बेटी के खोने का। ये बंदा पक्का कुछ छुपा रहा है। सर, उसने कहा था कि श्यामा अनाथ थी,
शायद श्यामा का कोई ऐसा अतीत हो जिसके बारे में श्यामा ने रितेश को ना बताया हो। हेलो, क्या बात है? मेरे एक मैसेज करते ही कॉल बैक कर दिया। लगता है मुझे मेरे पैसे इजीली मिल जाएंगे। रत्ती भर की औकात नहीं है तेरी, कितना तू भीख मांगती है। भीख मांगने की नौबत तो तेरी आएगी, और अगर मैं पुलिस के पास गई ना तो तेरी वकालत हवालात में बंद हो जाएगी, समझा? देखिए, हमारी कोई मांग नहीं है, बस हमारे बेटे के लिए हमें बहू चाहिए। ये तो आपका बड़प्पन है, लेकिन रवीना मेरी इकलौती बेटी है, मैं इसकी खुशी के लिए कोई कमी नहीं रखूंगा। अरे मनीष, आओ बेटा। कैसे हो बेटा? वो क्या है ना, मनीष बहुत कम बोलता है, वो बहुत सिंपल रहता है, उसे अपने कपड़ों का भी ध्यान नहीं होता, बहुत सीधा है मेरा बेटा। भाई साहब, अगर आप चाहे तो मनीष और रवीना को एक साथ बात करने देते हैं। जी जरूर जरूर। क्या हुआ, आप इधर उधर देख रहे हैं और एकदम चुप चुप से हैं, क्या मैं आपको पसंद नहीं आई? मैं एक्चुअली आपको धोखा नहीं देना चाहता, मैं पहले से शादीशुदा हूँ। क्या, तो फिर आपकी मम्मी ने हमें यहाँ क्यों बुलाया? एक्चुअली इसमें मम्मी की कोई गलती नहीं, वो मेरी बीवी को देख नहीं सकती ना। एक्चुअली मेरी बीवी दुनिया वालों के लिए मर चुकी है, लेकिन वो हमेशा मेरे साथ रहती है। वो देखो ना कैसे स्माइल करके देख रही है। आप क्या बोल रही हैं? सच बोलो। सर, इस हैंडमेड ग्रीटिंग कार्ड में किसी ने ब्रेल लिपि में अपनी मम्मी के लिए बर्थडे विशेस लिखी है। तो श्यामा और रितेश का किसी ब्लाइंड पर्सन से कोई ताल्लुक? सर फिलहाल तो ऐसा कुछ पता नहीं चला है, पर सर रितेश के पड़ोसी ने बताया था कि उसने 7 तारीख को श्यामा और निम्मी को देखा था जब निम्मी स्कूल जा रही थी। पर सर जब मैंने निम्मी के स्कूल में चेक किया तो निम्मी 7 तारीख को स्कूल में एबसेंट थी, और सर 7 तारीख को ही रितेश के फ़ोन पर ना किसी की कॉल्स आए ना उसने किसी को कॉल्स किए, और सर कॉल रिकॉर्ड्स के मुताबिक रितेश को डेली ऑन एवरेज 50 से 60 कॉल्स आते हैं, और 7 तारीख को एक भी नहीं। मतलब 7 तारीख को उसने अपना फोन बंद रखा हुआ था। ये बंदा मुझे शुरू से गड़बड़ लग रहा है। और सर एक और इन्फॉर्मेशन मिली है, रितेश ये कमला नाम की औरत के साथ फ़ोन पे रेगुलरली टच में था, शायद उन दोनों का कोई अफेयर हो। मुझे तो रितेश और श्यामा का रिलेशनशिप ही अटपटा लग रहा है। हो ना, रितेश की बेटी निम्मी इस केस की कड़ी है, क्योंकि वो उसी दिन से गायब है जिस दिन श्यामा का कत्ल हुआ, और अगर निम्मी 7 तारीख को स्कूल नहीं पहुंची तो फिर निम्मी गई कहाँ? ये लो, पहन लो इसे। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे घर वापस जाना है। अरे क्या करूंगी घर जाकर, यहाँ तुम्हें सब कुछ तो मिलता है। नहीं, मुझे पापा के पास जाना है। अच्छा ठीक है, चलते हैं पापा के पास भी, लेकिन उससे पहले तुम्हें यहाँ रहकर एक कोर्स करना पड़ेगा। कोर्स? कैसा कोर्स? क्या जरूरत थी तुम्हें उस लड़की के सामने अपना ये पागलपन दिखाने की? कितना अच्छा रिश्ता है तो तुम्हें पता है? ये रिश्ता जरूर होगा माँ, क्योंकि रवीना मुझे पसंद आई, उसके जिस्म। जिस्म? ये क्या बकवास कर रहा है तू? बकवास नहीं माँ, इश्क। अब वो ना भी करेगी ना, तब भी उसे उठा कर ले आऊंगा। वो लड़का मुझे कोई हॉरर फिल्म के हीरो से कम नहीं लग रहा था, मुझे तो उसके साथ खड़े रहने में भी डर लग रहा था। मुझे उसके साथ शादी नहीं करनी। अरे डरने की कोई बात नहीं, उसकी माँ ने बताया कि उसका साइकेट्रिस्ट से इलाज चल रहा है। लेकिन मैंने उससे शादी की तो वो मुझे भी बीमार कर देगा, मुझे उससे शादी नहीं करनी है। विधवा माँ की इकलौती औलाद है मनीष, शादी के बाद ना चिक चिक ना बक बक, राज करोगी तुम वहाँ पर? सर रितेश से मेरा अफेयर ही नहीं, वो मेरे पति भी हैं। आपका पति? लेकिन रितेश की शादी तो श्यामा से हुई थी। श्यामा से उसकी तीसरी शादी हुई थी, उसकी पहली बीवी की मौत के बाद दूसरी शादी उसकी मुझसे हुई थी। तो आप श्यामा को जानती हैं? नहीं सर, मैं उसे कभी मिली नहीं, लेकिन जब मेरी और रितेश की शादी टूटी तो उसने श्यामा को फंसाया और उससे शादी की। आपकी और रितेश की शादी कब हुई थी? सर 2 साल पहले,
मैं रितेश के ऑफिस में काम करती थी। शादी के बाद मेरी ज़िंदगी नर्क बन गई। और तो और सर, उसकी बेटी निम्मी, उसने तो मुझे जान से मारने की कोशिश की थी। जहर मिला के लाइए क्या? बस निम्मी, मैं तेरे और तेरे पापा के लिए अपना सब कुछ छोड़कर आ गई और तू मुझे जरा सी भी इज्जत नहीं देती। तू मुझे मारना चाहती है और मैं तेरी आरती उतारू? चल निकल यहाँ से। निम्मी, निकल मेरे घर से। निकल, निकल, निम्मी, निम्मी, चल। ये क्या कर रही है? नहीं छोड़ूंगी मैं तुझे। रितेश, छोड़ो, बचाओ, रितेश। निम्मी, क्या कर रहे हो? क्या कर रही हो ये? चाकू छोड़ो, चाकू छोड़ो, मैंने कहा। सर, इस हादसे के बाद मैं बहुत डर गई थी। मैंने रितेश से कहा कि मैं अब इस लड़की के साथ नहीं रह सकती, इसे हॉस्टल में डाल दो। लेकिन रितेश ने मुझे यहाँ छोड़ दिया और खुद दूसरी शादी कर ली। तो आपने उस पर केस क्यों नहीं किया? सर, वो खुद एक लॉयर है, उसने बड़ी चालाकी से हमारे शादीशुदा होने के सारे प्रूफ मिटा दिए। और तो और उसने धमकी तक दी कि मैं ये कभी साबित नहीं कर पाऊंगी कि वो मेरा पति है। अच्छा, हमें पता चला कि श्यामा की नसबंदी करवाई गई थी। क्या रितेश ने आपके साथ भी ऐसा कुछ किया था? नहीं सर, उसने मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं किया। सर, ये रितेश तो बहुत ही टेढ़ा मिजाज है। एक बीवी रहते हुए उसने एक और शादी कर ली। और सर, गौर करने वाली बात यह है कि कमला की तरह श्यामा भी उसकी एम्प्लॉय थी। कमला बता रही है कि निम्मी ने उसे मारने की कोशिश की, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि निम्मी के हाथों श्यामा का कत्ल हो गया और निम्मी को बचाने के लिए खुद रितेश ने निम्मी को कहीं गायब कर दी? अगर तुमने मुझसे दोस्ती नहीं की तो मैं सुसाइड कर लूंगा और इसकी जिम्मेदार तुम होगी। हेलो, ये क्या बकवास कर रहे हो? क्या फालतू मैसेज भेजा है मुझे? इसका मतलब आप हमें मरते हुए नहीं देख सकती? मतलब आपको मेरी परवाह है? मुझे कोई परवाह नहीं है तुम्हारी। ये आखिरी वार्निंग दे रही हो, मुझे परेशान करना बंद करो। पर बस एक बार मिल लीजिए मुझसे, सिर्फ एक बार। उसके बाद आप जो कहोगे वैसे ही मैं करूँगा। श्यामा के अतीत से जुड़े ऐसे कई पहलू थे जिसे पुलिस अभी तक अनजान थी। रितेश ने कहा था कि श्यामा अनाथ थी, तो क्या रितेश ने पुलिस से झूठ कहा था? श्यामा की माँ अगर थी तो वो कहाँ थी? रितेश की बेटी निम्मी, वो कहाँ गायब थी? और सबसे बड़ी बात कि ऐसा क्या हुआ था श्यामा के साथ कि बच्चा पैदा होने से पहले ही उसकी नसबंदी करवाई गई थी? हमें आपके घर की तलाशी लेनी। मेरे घर की तलाशी? पर क्यों? सर्च वारंट है हमारे पास, चेक करो सब जगह, कहीं ब्लड के ट्रेसेस तो नहीं। गो। ब्लड के ट्रेसेस? दिमाग तो ठीक है आपका इंस्पेक्टर, श्यामा का मर्डर यहाँ कैसे हो सकता है? देखिए, आप वक्त बर्बाद कर रहे हैं। मेरी बेटी निम्मी गायब है, आप उसको ढूंढिए प्लीज। ढूंढना तो हमारा काम है, छुपी हुई चीज़ों को, छुपाई हुई चीज़ों को ढूंढ कर बाहर निकालना। और हमने पता लगाया है, श्यामा से पहले आपकी शादी कमला के साथ हुई थी या नहीं? हाँ हुई थी, पर उस औरत की बात पर भरोसा मत कीजिए इंस्पेक्टर, वो बहुत ही तेज औरत है। पैसे के लिए मुझसे शादी की थी उसने और आए दिन ब्लैकमेल करके पैसे एकते रहती है मुझसे। जिस दिन श्यामा को कत्ल हुआ उस दिन आपका फोन स्विच ऑफ था क्यों? हाँ, एक केस के सिलसिले में मैं रूरल एरिया में गया था, वहां पर नेटवर्क नहीं था। देखिए, ये ताम झामा बंद कीजिए, यहां पर आपको ये मेरी कैश और ज्वेलरी, मेरी कैश और, इंस्पेक्टर मेरी कैश और ज्वेलरी यहां से गायब है। तो आपने चेक क्यों किया? कि इंस्पेक्टर मेरी बेटी निम्मी गायब है, अब उस टेंशन में मैंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन श्यामा तो मरी ही मिली और उसकी लाश के पास हमें ऐसा कुछ नहीं मिला, बची आपकी बेटी निम्मी, तो हो सकता है वही लेकर भागी हो। क्या बकवास कर रहे हैं इंस्पेक्टर, मेरी बेटी ऐसा कुछ नहीं कर सकती। निम्मी, आज से ये तुम्हारी टीचर होगी। हाय। जो तुम्हें कोर्स करवाएगी। मुझे कोई कोर्स नहीं करना, बस मुझे घर वापस जाना है। अगर घर वापस जाना है ना, तो जो भी टीचर सिखाया वो सीखना पड़ेगा, वरना देख लेना। ऑल योर्स। हाय निम्मी, नर्वस मत हो। तुमने भी मेरे पापा के साथ शादी की है क्या, जो मुझे पटाने की कोशिश कर रही हो? जोक्स अच्छे मार लेती हो, लेकिन तुम्हें अपने लुक्स और डिक्शन पर काम करना होगा। मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में ये सब बहुत मायने रखता है। मिस इंडिया कॉन्टेस्ट? हाँ, मिस इंडिया।
लेकिन आपको कैसे पता चलाकि मैं मिस इंडिया बनना चाहती हूँ? मैंने निमी की फ्रेंड पूजा है, 7 तारीख को श्यामा यहाँ आई थी और पूजा से निमी के बारे में पूछ रही थी। पूजा, वो निमी अभी तक स्कूल से नहीं लौटी है, तुम्हें पता है कहाँ है? पर निमी तो आज स्कूल ही नहीं आई ना। क्या? फिर मैं और आंटी, हमने निमी को बहुत जगह ढूंढा पर वो कहीं नहीं मिली। तुम्हें पहले ही पता था कि निमी के माँ का मर्डर हो गया है, लेकिन ये बात फिर भी तुमने हमसे छुपाई? मैं बहुत डर गई थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए मैं नहीं आई। अगर पूजा सच कह रही है तो इसका मतलब तो ये हुआ कि निम्मी पहले गायब हुई, उसके बाद श्यामा का कत्ल हुआ। तो मतलब श्यामा के कत्ल के तार निम्मी के गायब होने से जुड़े हो सकते हैं। इस लिहाज से ये पता करना और भी जरूरी है कि निम्मी कहाँ है। सर, मैंने श्यामा के CDR चेक किए, 7 तारीख को श्यामा को एक फेक नंबर से फोन भी किया गया था। नहीं नहीं नहीं, तो मुझे कुछ मत करना, मैं जा रहा हूँ कैश और ज्वेलरी लेके आती हूँ। तो मतलब पूरे चांसेस हैं कि 7 तारीख को किसी ने निम्मी को किडनैप किया हुआ और किडनैपर्स ने एक फेक आईडी के नंबर से श्यामा को कॉल किया और श्यामा ने रितेश को कॉल किया, लेकिन रितेश का फोन 7 तारीख को बंद था। सर, तो आप कह रहे हैं कि श्यामा उस दिन अपने घर से कैश और ज्वेलरी लेके किडनैपर्स को देने गई होगी, और जब श्यामा किडनैपर्स को पैसे देने गई तब उसका मर्डर कर दिया गया। शायद ऐसा ही हुआ होगा, लेकिन अब ये पता करना जरूरी है कि निम्मी कहाँ है। एथिक्स, ऐसे प्रोनाउंस करो, एक बार बोल के बताओ, एथिक्स। अच्छा, ये श्यामा का फोन कहाँ से चौक हुआ था? सर, दुर्गा नगर में। वर्मा, पूरे दुर्गा नगर में पता करो, क्या 7 तारीख को श्यामा और निम्मी को वहाँ देखा गया था? ओके सर। सर, एक सवाल अभी भी वहीं का वहीं है, श्यामा की नसबंदी क्यों की और किसने करवाई? ढूंढेंगे, अब इस केस में हर सवाल का जवाब ढूंढेंगे। वर्मा, पता करो श्यामा शादी से पहले कहाँ रहती थी, किस किस के कॉन्टैक्ट में थी, पैनिंग इमेज की तस्वीर दो, सब जगह इसकी फोटो सर्कुलेट करो, शायद कोई तस्वीर देखकर पहचान के लिए सामने आए। सर, अब क्राइम सीन के पास पाउच में ये जो तस्वीरें मिली थी, इन पर कोई लीड? सर, हमारी कोशिश चालू है पर फिलहाल कोई लीड नहीं मिली है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, सब जगह चेक करो, कहीं ना कहीं कोई ना कोई तस्वीर जरूर मैच करेगी। यस सर। पुलिस ने निम्मी के किडनैप होने की थ्योरी तो बनाई थी, लेकिन निम्मी जिन लोगों के बीच रह रही थी, क्या वो वाकई में निम्मी के किडनैपर्स थे? आखिर वो लोग क्यों और किसके कहने पे निम्मी को मिस इंडिया कॉन्टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे थे? श्यामा के कातिल को ढूंढने के लिए पुलिस ने अपने खबरी नेटवर्क को एक्टिव तो कर दिया था, लेकिन क्राइम सीन पर मिली वो फोटोग्राफ्स और ब्रेल लिपि में लिखे हुए ग्रीटिंग कार्ड का इस केस से क्या संबंध था? पुलिस को तो अभी तक इस बात का भी जवाब नहीं मिला था कि श्यामा की नसबंदी किसने और क्यों करवाई थी। तो क्या पुलिस ठीक तरीके से श्यामा के अतीत को इन्वेस्टिगेट कर रही थी? हाय, मैं जीत, तुम्हें पता है तुम बिल्कुल वैसी दिखती हो जैसे मैंने इमेजिन किया था, और तुम बहुत ज्यादा चालाक, तुमने मुझे झूठ बोला कि तुम 21 साल के हो। प्यार में उम्र थोड़ी ना देखी जाती है, मैं सच में तुमसे प्यार करने लगा हूं। देखो, तुम बच्चों इसलिए छोड़ दिया, वरना भूला मत मैं तुम्हें नौकरी दिलाने वाला हूँ, तुम अपनी बकवास बंद करोगे? तुम इतनी कड़वी क्यों हो? चलो थोड़ा मीठा खा लो। खुशबुओं के मकान नहीं होते, जहां हवा ले जाती है बिखर जाती है। आप शायरी भी कर लेते हैं? आंचल करती है, आज आंचल को तुम्हारा जिस्म और तुम्हें आंचल का नाम दे रहा हूं। आप चाहे मुझे आंचल कहे, कविता या फिर सपना, पर मैं हूं तो आपकी वाइफ रवीना। कभी नजदीक नहीं आई तू ना आंचल, हाँ अब क्या करेगी? और मैं बरसों की सारी भड़ास निकाल लूंगा। कहाँ भागेगी? क्यों किया तूने? क्यों किया तूने ऐसा मेरे साथ? सर, दुर्गा नगर में हमारे सभी खबरें एक्टिव हैं, लेकिन सर वहाँ से ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है कि वहाँ पे निम्मी या श्यामा किसी को भी देखा गया हो। और जिस सूटकेस में श्यामा के बॉडी को डंप किया गया था, पता चला वो कहाँ से खरीदा गया? नहीं सर, काफ़ी रेगुलर ब्रांड का सूटकेस है और ऐसे सूटकेस मार्केट में इजीली अवेलेबल है, ऐसे में ये पता लगाना कि किस पर्टिकुलर शॉप से खरीदा गया सर थोड़ा मुश्किल लग रहा है। सर, क्राइम सीन में मिली इन फोटो में से 2 लड़कों की पहचान हो गई है, एक का नाम है सचिन और दूसरे का नाम है जतिन, मैंने दोनों को थाने बुला लिया है। जी सर, ये फोटो मेरा ही है, अब ये मैं कैसे बता सकता हूँ कि मेरा फोटो किसके पास है? वो क्या है ना सर, मेरा सोशल मीडिया अकाउंट है, क्या पता किसी ने वहाँ से फोटो निकाल ली हो। तुम किसी ऐसे इंसान को जानते हो जो ब्लाइंड हो और
जो ऐसे ब्रेलिपी में लिखना जानता हो? नहीं मैम, मैं ऐसे किसी भी इंसान को नहीं जानता हूँ, और ना ही मैं किसी रितेश, श्यामा या निम्मी को जानता हूँ। इनफैक्ट मैं तो खुद ही परेशान हूँ कि उस पाउच में मेरी ये तस्वीर आई कहाँ से। हेलो, उसने मुझे मारा, बहुत मारा, उसने मेरा रेप भी किया। मैं उसको नहीं छोड़ूंगी, मैं उसको। श्यामा को एक लड़की ने आइडेंटिफाई किया है। कौन लड़की? शालू नाम है उसका। शालू का कहना है कि श्यामा उसके साथ में सेल्स गर्ल का काम करती थी, लेकिन उसका नाम श्यामा नहीं है, समा है। श्यामा, गौर से देखिए इस तस्वीर को, क्या वाकई इसका नाम श्यामा नहीं, शमा है? हाँ साहब, ये शमा और मैं जेमिनी मार्केट में एक साल काम करते थे, लेकिन साहब करीब 1.5 साल पहले उसने वो काम छोड़ दिया और फिर मैं शमा से कभी नहीं मिली। इसकी शादी हो चुकी थी, इसके पति का कहना है कि इसका नाम श्यामा था और ये अनाथ थी। नहीं साहब, उसकी माँ भी थी। आपके पास इसका कोई पुराना मोबाइल नंबर है? हाँ साहब, लेकिन उसका फ़ोन काफ़ी टाइम से बंद है। कोई बात नहीं, वो नंबर दीजिए। और ये रहती कहाँ थी? वो हरिनगर में रहती थी। ये तो शमा है, ये अपनी माँ के साथ यही रहती थी। इसकी माँ भी कहाँ रहती है? इसकी माँ का तो 3 महीने पहले देहांत हो गया था, कैंसर था उनको। उसके बाद शमा भी कहाँ से कहीं चली गई, तब से इधर ताला लगा है। अच्छा, शमा की शादी हुई थी? नहीं, लेकिन उसकी माँ उसके लड़का जरूर देख रही थी। थैंक यू सर। शमा और श्यामा नाम में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, शायद न्यूमरोलॉजी का कोई चक्कर होगा, इसलिए शमा ने अपने नाम में वाई ऐड कर दिया। लेकिन वो अपनी माँ के साथ इस घर में रहती थी, 3 महीने पहले उसकी माँ गुजर गई और 6 महीने पहले उसने रितेश से शादी की, जबकि रितेश कह रहा है कि वो अनाथ थी। सर, एक 50 साल के आदमी ने इतनी कम उम्र की लड़की के साथ शादी की। सर, मुझे लगता है शमा और उसकी माँ पे कोई दबाव होगा शादी के लिए। पहले तो हमें ये पता करना होगा कि वाकई उसने अपना नाम बदला था, और अगर बदला था तो क्यों। मैं इस घर की तफ्तीश के ऑर्डर निकलवाता हूँ, तब तक रितेश को बुला दो थाने में। यस सर। उसका नाम श्यामा था, शमा नहीं, और वो अनाथ थी, और ये उसी ने मुझे कहा था। अब उसने मुझे झूठ बोला या सच, ये मुझे नहीं पता। उस दिन क्या कहा था आपने मेरे केबिन में? यू आर ए रेप्यूटेड लॉयर, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपकी बीवी सच बोली थी या झूठ बोली थी, पर हमें पता है कि आप झूठ बोल रहे हैं। मैं झूठ क्यों बोलूंगा इंस्पेक्टर, उल्टा उल्टा मुझे श्यामा पे शक है। तो जिसका कत्ल हुआ उसी पे शक, कहना क्या चाहते हैं? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं इंस्पेक्टर कि ये फालतू की इन्वेस्टिगेशन आप बंद कीजिए और मेरी बेटी निमी को ढूंढिए, सच खुद ब खुद आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, लाइए आपकी बेटी को सामने, बोलिए निमी को कहां छुपा रखा। मैं क्यों छुपाऊंगा अपनी बेटी को? ये देख, लग रही है कोई एंगल से तू है, पूरी आइटम बॉम्ब लग रही है। देखो, तुमने जो कहा वो मैंने किया, अब तुम मुझे पापा से मिला दो। अभी काम पूरा नहीं हुआ है, बहुत काम करना बाकी है तुम्हें अभी। अब मुझे और क्या करना होगा? वक्त आने पे सब कुछ पता लग जाएगा। कौन है तुम लोग? अरे क्या क्या कर रहे हो? देखो सब जगह। सर, कुछ नहीं मिला। अच्छा, तस्वीर में जो बच्चा है जिसने काला चश्मा पहना हुआ, ये बच्चा कौन है? ये बिट्टू है साहब, ये ब्लाइंड है, ये अपनी माँ कुसुम के साथ यही पड़ोस में रहता था।
ये और इसकी माँ काफी घुल मिल गए थे शमा और उसकी माँ के साथ। अब ये दोनों कहाँ रहते हैं? पहले तो यही पास में रहते थे, काफी टाइम पहले शिफ्ट कर गए। अच्छा, ये बिट्टू ब्रेल लिपि लिखना जानता? शायद जानता हो, नुसरतगंज के ब्लाइंड स्कूल में तो जाता था। थैंक यू। तो हो सकता है जो ग्रीटिंग कार्ड हमें मिला वो इस बिट्टू ने अपनी माँ कुसुम के लिए लिखा हो। जहाँ पे ये दोनों माँ बेटा किराए पर रहते थे वहाँ के मकान मालिक से पता करो ये दोनों कहाँ के रहने वाले थे। यस सर। और जिस ब्लाइंड स्कूल में बिट्टू जाता था वहाँ भी पता करो। आई थिंक इन दोनों माँ बेटे का इस केस से कोई ना कोई ताल्लुक जरूर है। आदमी थे, मुंह पे गमछा बांधा हुआ था। लेकिन उन्होंने तुम्हारे पति और तुम्हारी सास को ही टारगेट किया, तुम्हें जिंदा छोड़ दिया। कुछ छुपा तो नहीं रही हो तुम? सर, मुझे भी चोट लगी है और मैं बेहोश हो गई थी, तो शायद उन्हें लगा होगा कि मैं मर गई हूँ। सर, शालू ने हमें जो शमा का नंबर दिया था मैंने उसके कॉल डिटेल्स चेक की। सर, वो नंबर 3 महीने पहले तक शमा की माँ की मौत तक एक्टिव था। और सर, उस नंबर पे शमा को एक महेंद्र नाम का आदमी लगातार कॉल किया करता था। ये देखिए सर, ये है महेंद्र। मिलो इस महेंद्र से, हो सकता है काम की बात पता चले। ओके सर। जी, ये नंबर? जी हाँ सर, ये नंबर तो मेरा ही है लेकिन इसे मेरा बेटा यूज करता था। बेटा? जी हाँ। कहाँ है? सर ऊपर ही है, आप कहें तो बुला देता हूँ। बुलाइए। तो तुम यूज करते थे अपने पापा का नंबर? हाँ, मैं यूज करता था नंबर, पर वो फोन तो खो गया। सर, वो फोन इसके पास ही रहता था, सारा दिन उस फोन पे गेम खेलता रहता था, इसलिए वो फोन खोने के बाद मैंने वो नंबर भी एक्टिवेट नहीं करवाया। अच्छा, उस नंबर से एक शमा नाम की लड़की को फोन किया जाता था, शमा को तो जानती ही होगे तुम। शमा? कौन शमा? ये देखो, ये शमा है, जानते हो ना इसे? नहीं सर, मैं इसे नहीं जानता। सर, कहाँ? मैंने उस ब्लाइंड स्कूल में बात की जहाँ पे बिट्टू पढ़ा करता था, उसने स्कूल 6 महीने पहले छोड़ दिया था और स्कूल रिकॉर्ड्स में बिट्टू की माँ कुसुम का वही एड्रेस मिला जहाँ पे वो रहा करते थे किराए पे। और कुसुम के घर का कोई रेंट अग्रीमेंट भी नहीं है कि उसका नेटिव एड्रेस पता चल सके। लेकिन सर, स्कूल रिकॉर्ड्स में बिट्टू के फादर महेश की डिटेल्स मिली है। ये है बिट्टू का फादर महेश। और सर, स्कूल के प्रिंसिपल ने वो ग्रीटिंग कार्ड भी देखा। उनका कहना है कि वो ब्लाइंड स्टूडेंट से ऐसी एक्टिविटीज़ कराते हैं कि वो ब्रेल लिपि में अपने लव्ड वंस के लिए कार्ड्स लिख सके। सर, मुझे तो लगता है बिट्टू ने ये कार्ड अपनी माँ कुसुम के लिए लिखा होगा। और ये सब कुछ हमें मिला उस जगह पर जहाँ पर हमें शमा की डेड बॉडी मिली। एक काम करो, ये दोनों लड़के सचिन और जतिन बुलाओ इन दोनों को। यस सर। इस बिट्टू को तो मैं नहीं जानता हूँ लेकिन हाँ, ये औरत इसे जानता हूँ सर। ये एक मैच मेकर है और मैंने अपनी फोटोज इसे ही दी थी। और इसी औरत ने सर मेरी शादी गरिमा नाम की एक लड़की से करवाई थी। लेकिन सर, शादी के 2 महीने भी नहीं हुए थे कि वो लड़की मेरे घर से सारे गहने जेवर कैश सब लेके भाग गई सर। सर, इस औरत ने मेरी शादी सुनीता नाम की एक लड़की से करवाई थी और सुनीता मेरे घर में चोरी करके भाग गई और फिर ये मैच मेकर भी गायब हो गई। तो तुमने पुलिस में कंप्लेंट क्यों की? एक्चुअली सर, बहुत मुश्किल से मेरी शादी हुई थी और लोगों को ये पता चलता कि शादी के बाद लड़की भाग गई है तो उनको यही लगता कि शायद मुझ में ही कोई कमी है। सर, मैंने रितेश को बिट्टू और उसकी माँ कुसुम दोनों की फ़ोटो दिखाई। उसका कहना है कि उसने शमा के साथ किसी मैचमेकर के जरिए शादी नहीं की थी, शमा उसकी एम्प्लॉय थी और दोनों के बीच में लव मैरिज हुई थी। तो फिर सवाल ये है कि शमा एक ऐसी औरत के टच में क्यों थी जिसने दो लड़कों के साथ फरेब किया, धोखाधड़ी की, और उन दोनों लड़कों की तस्वीरें हमें मिली शमा की डेड बॉडी के पास। तो जो बाकी लड़कों की तस्वीरें मिली थी वो कौन है पता लगाओ, और कुसुम और उसके हस्बैंड के लिए लुकआउट नोटिस जारी करो और आसपास के इलाकों में जितने भी इस तरह के धोखाधड़ी के केसेस हुए
सबकी लिस्ट बनाओ। यस सर। सर अभी रिसेंटली फरीदाबाद में एक केस हुआ है जहाँ पे एक मनीष नाम के लड़के और उसकी माँ आशा का मर्डर हुआ है। सर इस मनीष ने इस रवीना नाम की लड़की से शादी की थी। सर मर्डर के वक्त ये रवीना भी जख्मी हो गई थी और बाद में लोकल पुलिस ने पाया कि रवीना गायब है। फरीदाबाद पुलिस ने इसके पिता की भी तस्वीर दी और सर इस लड़की का पिता और कोई नहीं बल्कि कुसुम का पति महेश है। सालो तुम लोग मुझे छोड़कर भाग गए। रवीना गुस्सा मत कर यार, तुझे पता है ना उस दिन क्या हो गया। रवीना, रवीना, ये तो बेहोश हो गई। हम लोग माल निकालते हैं और भागते हैं यहाँ से। ये आ जाएगी बाद में खुद से। चलो रवीना, अगर हम यहाँ रुके तो फंस जाएंगे। चलो यार। रवीना, एक काम करो, थोड़े दिनों के लिए तुम अंडरग्राउंड हो जाओ। हाँ दीदी। सर, यूपी, राजस्थान और हरियाणा के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में ऐसे 23 केसेस मिले जिनमें 7 अलग अलग लड़कियों ने 50 मर्दों से शादी की और शादी के बाद सब लूट करके भाग गई। लेकिन सर इनमें से एक भी केस में अभी तक मर्डर नहीं हुआ है। हाँ, लेकिन मनीष और उसकी माँ का कत्ल हुआ। शमा कुसुम के टच में थी, शमा का भी कत्ल हुआ। शमा का कत्ल क्यों किया गया, इसकी क्या वजह होगी? और रितेश की बेटी निमी, उसके गायब होने की क्या कहानी? निमी कहाँ गायब है? अरे वाह गिरीश, तुमने तो इस लड़की की चालदारी बदल दी। अब तो इसके लिए नराई लड़का देखना पड़ेगा। ये क्या बोल रहे हो? हमने तुम्हें अपनी मिस इंडिया बनाया, अब तुम्हें दर्जनों मिस्टर इंडिया से शादी करनी है। भागने की कोशिश भी मत करना, अब यही तुम्हारी जिंदगी है और इसी में जीने की आदत डाल लो। गिरीश, इसकी नसबंदी कराओ और दिव्या को बोलकर कड़ी ट्रेनिंग शुरू करो। जी दी। सर, क्राइम सीन में मिली इन फोटोज में से 5 और लड़कों की पहचान हो गई है, जय, मुकुंद और सोम। मैंने पता किया, इन तीनों की शादियां हो गई है, लेकिन सर अब इनकी भी बीवियां गायब हैं। और सर ये दो लड़के अजय और कुणाल, इन दोनों की अब तक शादियां नहीं हुई है। मुमकिन है कि कुसुम अब इन दोनों के लिए लड़का ढूंढ रही हो। ये दोनों कुसुम के अगले बकरे हो सकते हैं। इन दोनों की एक्टिविटीज पर नजर रखो। यस सर। नमस्ते काव्या, मेरी इकलौती बेटी है, मैं इसकी खुशी के लिए कोई कमी नहीं रखूंगा। और मैच मेकर, तू ऐसा क्या करती थी? ये लड़कियां तेरे कहने पर किसी भी लड़के से शादी करने को तैयार हो जाती थी? मजबूरी और लालच सब करवा देती है सर। जो लड़कियों को पैसे चाहिए थे वो खुद हमारे पास आती थी, और जो लड़कियां मजबूर होती थी उन्हें हम पैसे का लालच देकर छांसे में लेकर उन्हें फंसा लेते थे। ये श्यामा और श्यामा, ये भी तेरे ग्रो में थी? हाँ सर, उसकी माँ को कैंसर था, उसे अपनी माँ के इलाज के लिए पैसे चाहिए थे, हमने उसे भी पैसे का झांसा दिया। तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है, कोई रिस्क नहीं है इसमें। और फिर तुझे अपनी माँ के इलाज के लिए पैसे चाहिए ना, चाहिए ना, तो तू मेरे साथ काम कर, मैं तेरी माँ के इलाज का सारा खर्च उठा लूँगी। जिन लड़कों की शादियाँ नहीं होती थी वो खुद हमारे यहाँ आते थे सर, पर रितेश जैसे लड़कों की पहले हम रेकी करते, बाद में पता चला कि वो पहले से ही शादीशुदा था, 2 शादी कर रखी थी उसने। फिर हमने शम्मा को उसके ऑफिस भेजा जॉब लेने के बहाने, ताकि वो रितेश को फंसा सके। श्यामा की नसबंदी किसने करवाई थी और क्यों? सर, शादी के कुछ दिन पहले ही हम लड़कियों की नसबंदी करवा देते थे ताकि उन्हें बच्चा ना हो और उसे अपने परिवार से जुड़ाव ना हो, लेकिन हम शादी के तुरंत बाद लूट नहीं करते थे सर। पहले हम लड़कों के फाइनेंशियल स्टेटस को देखते थे, उनकी प्रॉपर्टी, उनके पैसे, उनके गहने, वो सारी इन्फॉर्मेशन निकालती थी, फिर हम प्लानिंग करके लूटते थे। लेकिन शादी के 3 महीने बाद ही शम्मा की माँ गुजर गई
और उसने हमें धोखा दे दिया। फोन की बंद करो। अरे बताना चुप क्यों खड़ी है? रितेश के घर को लूटना कब है? अब मैं कोई गलत काम नहीं करूंगी, और आज के बाद मुझे परेशान किया ना तो सीधा अंदर करवा दूंगी। ए? हमने उसके ऊपर इतने पैसे खर्चे किए, समय लगाए, और वो हमारे साथ। रितेश की बेटी निम्मी को क्यों उठाया था? तो और क्या करते सर, शम्मा को ब्लैकमेल करके रितेश का पैसा निकलवाना था, इसलिए निम्मी को उठाया था। हेलो, बहुत चालाक बन रही थी ना तुम। हमने रितेश की बेटी निम्मी को उठा लिया है। अगर तू चाहती है कि हम निम्मी को वापस कर दें तो उसके लिए तुम्हें रितेश के सारे रुपये पैसे गहने हमें ला के देने होंगे, नहीं तो निम्मी बेमौत मारी जाएगी। नहीं नहीं नहीं, तुम मुझसे कुछ मत करना, मैं ज़ारा कैश और ज्वेलरी लेके आती हूँ। ये दरवाजा क्यों बंद किया? मैं सारी कैश और ज्वेलरी ले आई हूँ, निम्मी को प्लीज छोड़ दो। पता नहीं मेरा पाउच वहां कैसे गिर गया, वरना वरना क्या, पकड़ी नहीं जाती। निम्मी कहाँ है? कितनी बार तुझे बोला है इसको ऐसे नहीं ऐसे लगा दे। ठीक हो बच्चे? हाँ। हनी ट्रैप के तो हमने अब तक बहुत केसेस देखे हैं, लेकिन औरतों के गैंग और उनके द्वारा की गई वारदातों का ये एक चौंकाने वाला केस था, जिसमें 9 औरतों के द्वारा की गई फेक मैरिजेस और धोखाधड़ी के 50 से भी ज्यादा मामले सामने आए। अंदेशा लगाया गया है कि इसके आंकड़े 100 से भी ज्यादा हो सकते हैं, और इस गैंग से जुड़ी हुई कई महिलाओं की आज भी तलाश है। लेकिन श्यामा उर्फ शमा इस गैंग की एक मजबूर लड़की थी, जो कि गुनाह के रास्ते पर निकल तो पड़ी थी, लेकिन जब उसने वापस लौटने का सोचा तो उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। गुनाह का रास्ता शुरू में भले ही कितना भी सरल लगे, लेकिन उस पर बढ़ाए हुए एक एक कदम की आगे चल के बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मुझे क्राइम पेट्रोल सतर्क के माध्यम से आप सबके साथ जुड़ने का मौका मिला, और इस बात की और भी ज्यादा खुशी है कि विमेन अगेंस्ट क्राइम अध्याय आप लोगों के द्वारा इतना ज्यादा सराहा गया। लेकिन आज मैं क्राइम पेट्रोल से अल्प विराम ले रही हूँ, पर हम महिलाओं के लिए सुरक्षित और गैर आपराधिक माहौल बनाने के लिए लगातार कोशिश करते रहेंगे, इस बात का आप वादा कीजिए। आप माँ हैं, आप बेटी हैं, आप बहन हैं, आप आत्मनिर्भर बनिए, निर्भीक रहिए, सतर्क रहिए। जानते हैं, मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि हमारे समाज का जो पुरुष वर्ग है आज, वो अपने आसपास की महिलाओं को लेकर स्वेच्छा से सुरक्षित माहौल देने के लिए तैयार है। इस शो से दूर रहने के बाद भी मैं इस मुहिम को चलाए रखने के लिए, इस जागरूकता को फैलाने के लिए लगातार कोशिश करूंगी, लेकिन आपको मेरा साथ देना होगा। आप लोगों ने मुझे क्राइम पेट्रोल के माध्यम से जो प्यार दिया, उसके लिए मैं हमेशा आभारी रहूंगी। आप देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क, सोमवार से शुक्रवार रात 11 बजे सिर्फ सोनी टीवी पर। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, click the show links and enjoy watching the videos.